धुळे मनपाची शाळा गेली पाण्यात, विद्यार्थ्यांवर आली आंदोलन करण्याची वेळ। मनपाची शाळा गेली पाण्यात, विद्यार्थ्यांवर आली आंदोलन करण्याची वेळ। धुळे महापालिकेच्या शाळांकडे महापालिकेच्या कामाचे दुर्लक्ष झालंय, त्यामुळे मनपाच्या शाळांचे भवितव्य धोक्यात आले असून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ही पाण्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे। काल रात्री झालेल्या पावसामुळे धुळे शहरातील मनपाच्या शाळा क्रमांक 20 मध्ये गुडघ्या एवढे पाणी साचल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणेही कठीण झालंय। परिणामी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांसह विद्यार्थी व पालकांना महापालिकेत येऊन आंदोलन करावे लागले। या शाळेच्या कामातून टक्केवारी मिळणार नसल्यानेच शाळांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोपही यावेळी करण्यात आला। धुळे महापालिकेच्या शाळा क्रमांक 20 मध्ये नेहमीच पावसाचे पाणी साचत असते, त्यामुळे या शाळेच्या आवारात मुरूम टाकावा अशी मागणी सातत्याने होत होती, परंतु धुळे महापालिकेने कायम दुर्लक्षच केले। काल रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मनपा शाळा क्रमांक 20 आवारात गुडघाभर पाणी साचल्याने आज सकाळी विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता आले नाही। सकाळी शाळेचा पूर्ण वेळ विद्यार्थी शाळेबाहेरच थांबून होते। याबाबत धुळे महापालिका शाळा नंबर 20 अध्यक्ष जमील शाह यांनी मनपा आयुक्त अतिरिक्त आयुक्तांना माहिती दिली। त्यानंतर 2 तास वाट पाहून देखील शाळेजवळ कोणी फिरकले नाही, त्यामुळे संतापनावर झाल्याने अध्यक्ष जमील शाह, उपाध्यक्ष अर्ताऊर हेमान आदींनी विद्यार्थ्यांसह महापालिका गाठली आणि आयुक्त देवदास टेकाडे यांच्या दालनाबाहेर विद्यार्थ्यांसह पालक आणि शिक्षकांनी आंदोलन केले। धुळे मनपाच्या उदासीनतेमुळे विद्यार्थ्यांवर आंदोलन करण्याची वेळ आल्याचे विदारक चित्र आज धुळे महानगरपालिकेत दिसून आले। स्कूल में बच्चे को छोड़ने आए हैं, तालाब बहुत भरा हुआ है, गंदा पानी है, सब किधर से आ रहा है हमें पता नहीं है। हमारे बच्चे को बीमारी का डर है, हमारे बच्चे को खुजली भी हो सकती है, अब हम क्या करें, बहुत मजबूर है, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। तालाब इतना भरा हुआ है कि मछली छोड़ना बाकी है उसमें, अब क्या करें सर, कुछ सहायता करें बस। मैं नफीस अहमद दानी समाज मुख्य अध्यापक शाला क्रमांक 20। सर रात में जो बारिश हुई है उसकी वजह से हमारी स्कूल की जो परिस्थिति हुई है वो आप देख रहे हो। छोटे बच्चे हैं, लेडीज टीचर है, आने जाने की कंडीशन ऐसी है कि खड्डा किधर है क्या है पानी से ये तो पता नहीं चल रहा है। अब ये परिस्थिति के अंदर हम लोग को बच्चों को कैसे लाना ले जाना हमारा ये सवाल है। पालक हमसे आकर बहस कर रहे, बात कर रहे, सर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। हम लोग ने बार बार जो नगर पालिका को तकरार करी है कि कम से कम हमारे स्कूल के लिए, अभी ये जो पानी का जो मामला होता है ये हर बार होता है। हमने इससे पहले भी जो है ऑफिस के लोगों को बुलाया, उनको भी बताया कि हमको भाई इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तकलीफ है और बारिश का वक्त है, बीमारी फैली है, अब ये कंडीशन में बच्चे जाना, बीमार पड़ना, उसकी जवाबदारी कौन लेगा। उसके अलावा 15 अगस्त परसों 15 अगस्त है, हमको कार्यक्रम लेना है। सर बताओ ये कंडीशन में क्या कार्यक्रम लिया जाएगा, हमारी तैयारी भी है हम लोग कार्यक्रम में अच्छे ढंग से लिया अभी, जाए। अभी आप बच्चों को पढ़ा रहे कि छुट्टी दे रहे हैं अभी आप? नहीं अभी तो हम लोग, अभी हमारे SMC अभी आ रही है, हम उनको बुलाए, वो जो उचित फैसला लेंगे भाई स्कूल अभी चलाना है कि नहीं चलाना है उसके ऊपर हम जो है बात करेंगे। मैंने अभी मनपा शिक्षण मंडल के सुपरवाइजर को भी फोन किया है कि आप भाई एओ साहब को लेकर आओ और हमारी स्कूल की परिस्थिति उनको बताओ। ब्यूरो रिपोर्ट SBN मराठी, धुळे।